सो ही गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक ब्यूटीफुल सी डिवाइन रीडिंग। बहुत टाइम के बाद रीडिंग कर रहे हैं एंड पिक कार्ड रीडिंग होगी। ये सिंगल कार्ड पिक करने वाली हूँ। जितने भी लोग हैं जो कोई ना कोई सवाल से परेशान हैं, तो ये रीडिंग में आपको शायद आपका आंसर मिल जाए, आपका गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपको पूरा ओपन माइंडेड होना है। जो भी आज यहाँ पे आंसर या साइन मिलेगा वो आपको हेल्प एंड रिलेट करेगा। ऐसी आपको फेथ रखनी है, विश्वास रखना है। और अगर आपको ये चीज़, ये रीडिंग अगर सच में रिलेट करती हो तो इसके ऊपर बिल्कुल आप एक्ट और अमल करना। ओके, तो ये एक कार्ड यहाँ पे मैंने लिया है। देखिए, तो कार्ड देखिए यहाँ पे हमको मिला है 7 of Air, अ लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड और पर्सनल फ्रीडम। Take caution and be aware of others' actions. A material loss. Make sure you are being honest with yourself. Embarrassing secrets. देखिए, अगर आप ये जो पूरा पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए चार लोग यहाँ पे बैठे हैं और एक जना इस तरीके से जैसे कुछ चोरी करके भाग रहा हो, इस तरीके से वो भाग रहा है। ठीक है, तो मैसेज यहाँ पे पता है आपको क्या मिल रहा है? इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ में देखिए सोशल लाइफ होती है सबकी, फ्रेंड सर्कल होते हैं, रिलेशनशिप्स होती हैं, स्पेशली ऑफिस में अगर आप काम करते हो तो कलीग्स होते हैं आपके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देयर इज़ अ चांस कि आपके फ्रेंड्स में, आपके वेल विशर के फॉर्म में कोई ऐसा बंदा भी है जो शायद आपका वेल विशर नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल रहना चाहिए। एंड बहुत आप में से ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो इजीली है ना सबके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नहीं तो आपको यहाँ पे ऐसा बेटर एक्सपीरियंस हो सकता है किसी व्यक्ति से। ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा है आपकी लाइफ में, आपके सर्कल में, जो थोड़ा वो ऑनेस्ट नहीं है, वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं सोच रहे हैं, जेलस फील कर रहे हो शायद। ठीक है, उनका नेचर ही ऐसा हो सकता है, वो किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते। तो आपको ऐसे लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, हर किसी के साथ आपको कनेक्ट नहीं होना है, हर किसी के साथ आपको ट्रस्ट नहीं रखना है। एंड अपने प्लान्स, अपने सीक्रेट्स, अपने जो भी आपके गोल्स हैं वो बहुत सोच समझ के आप किसी के साथ शेयर करिए। किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो तो भी सोच समझ के करिए। ठीक है, तो हर तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि इस चीज़ से क्या होगा ना कहीं कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि जिससे पीस ऑफ माइंड ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ख्याल रखना है कि आप अपनी पीस ऑफ माइंड अपने हाथ में रखें, अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखें, किसी के ऊपर वो चीज़ आप कंट्रोल ना दे दें, किसी और की वजह से आपकी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो। ठीक है, एंड बस आपको अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना है, अपने साथ आपको जो भी आपके कोई सीक्रेट्स हैं, कोई आपकी वीकनेस है, कुछ भी है, वो यहाँ पे ये सजेशन मिल रहा है कि आप अभी अपने आप के पास ही रखिए, डोंट शेयर विथ एवरीबडी। एंड थोड़ा आप ख्याल रखिए, सोच समझ के किसी के साथ आप आगे बढ़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्ती यारी के बीच में ही एनिमीज छुपे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज मिल रहा है इस वक्त जितने भी लोग हैं जो कन्फ्यूज हो रहे हैं, जिनकी लाइफ में इस वक्त इस तरीके की कोई सिचुएशन बन रही है कि वो अपने फ्रेंड्स में ही बेटर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आपको ये लेसन मिल रहा है आज कि आप सोच समझ के लोगों के ऊपर भरोसा करिए। और आपके ग्रुप में ही या आपके सर्कल में ही कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो आपके लिए इतना अच्छा नहीं सोच रहा हो, तो उसको आपको ख्याल रखना होगा। ठीक है, तो बस फिलहाल यही मैसेज मिल रहा है एंड आई रियली होप आपको ये मैसेज भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, गुड वाइब्स टू ऑल एंड केयरफुल रहिए। ठीक है।